अलैक माई सेल मोहम्मद आसिफ अली टुडे और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑर्गेनिकमिस्ट्री जना फर्स्ट लेक्चर से जी हाँ तो हमारा पहला जो टॉपिक है पहला लेक्चर है वह है आरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन अब आरोमेटिकब्ट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरोमेटिक कम्पाउंडस क्या होते हैं आरोमेटिक कम्पाउंडस वो कम्पाउंड होते हैं जो कि साइकिल होते हैं इनके एरोमेटिक कम्पाउंड की चार क्राइटेरिया हैं एरोमेटिसिटी के लिए कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है पहला पॉइंट कि वो साइकिलिक होते हैं सेकंड वो प्लेनर होते हैं यानी कि वो एक ही प्लेन में होते हैं थर्ड वो उनके अंदर कंजुगेशन होती है और कंजुगेशन का मतलब ये है कि उनके हर एटम के पी आर आपस में इंटरलैप करते हैं ये देख सकते लगते, लगते हैं आप और डीलोकलाइजेशन एक क्रिएट करते हैं दिस इज नोन एज कंजुगेशन एंड द फोर्थ एंड द लास्ट जो उनकी प्रॉपर्टीज है जो उनका क्राइटेरिया है एरोमेटिक कंपाउंड्स को के हम उन्हें अरोमेटिक कंपाउंड्स कह सकते हैं वो है हक्कल रोल को पे करते हैं हक्कर हक्कर रूल क्या है? हक्कर इस फोर एन प्लस टू एन पाई इलेक्ट्रॉन रूल यानी कि एक रिंग है फर्ज क्या कोई भी रिंग है तो उसके अंदर फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो वो क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है फर एन है नंबर ऑफ इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिंग्स है फर्ज जैसे कि बेंजीन होता है बेंजीन का एक ही रिंग होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एन इज इक्वल टू वन तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम उसे एरोमेटिक तो कंपाउंड कहेंगे सिक्स फोर मल्टीप्लाई वन फोर प्लस इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है आफ्टर डैट हम Uh, इसके बाद आरोमेटिक सब्चिच रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं आरोमेटिक सब्सिचुएशन रिएक्शंस जो होते हैं वो नॉर्मली आरोमेटिक कम्पाउंड से ही डेफिनेटली दिए जाते हैं लेकिन जो आरोमेटिक uh, होते हैं ये बेसिकली अन कंपाउंड होते हैं लेकिन ड्यू टू ऑफ पाई ऑफ विद इन दैम ये क्या होते हैं ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते इंस्टेड uh, ऑफ uh, ये सब रिएक्शन देते हैं और एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड एलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आया और uh, वो ग्रोप आके अटैच ऐड हो गया किसी भी ग्रुप uh, में वो नॉर्मली अन जो कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे एडिशन रिएक्शन देते हैं जैसा कि ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है इथीन और यहाँ पे बरोमीन की एडिशन हो रही है तो ये वाला जो बाड है ये ब्रेक हुआ ये इस पर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये जो बी आर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसने अटैक किया यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो ये यह यहाँ पे ऐड हो गया और इसी तरह यहाँ पे एडिशन हो गई दूसरे बी, बी आर की तो ये क्या ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कि थी लेकिन इनमें ये हालांकि ये भी अनसेचुरेट कंपाउंड्स होते हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं लेकिन इनके अंदर डी लोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन पाई इलेक्ट्रॉन्स की लोकलाइजेशन लो की वजह से ये एडिशन रिएक्शन नहीं बल्कि सबचिचुएशन रिएक्शन शो करते हैं मतलब सब्चिएशन रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं कि अरोमेटिक कंपाउंड से एक कोई भी ग्रुप निकाल देते हैं या फिर कोई भी प्रोटॉन निकाल देते हैं और वहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच हो जाता है और उस प्रोटॉन को रिप्लेस कर देता है तो ये क्या है सब्जीट्यूशन रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे हम रेजोनेंस इफेक्ट को भी आगे डिस्क्राइब करते हैं तो टिक कंपाउंड सेम वही बातेंटिक अनसे बट सेचूरेटेड कंपाउंड के लाइफ बेहेव करते हैं अब अमाइन्स जो है वो आर वीकर अब, acid और का क्या तल्लक है इसके आरोमेटिक कंपाउंड से पहले हम उसको डिस्क्राइब करते हैं हमें इस कंसेप्ट को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडक्टिव इफेक्ट को समझना होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सो इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो एक कोवलेंट बांड है कोई भी कोवलेंट बांड उसके एक साइड पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आइटम ज्यादा होता है दूसरे साइड अलग कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फर्स्ट क्या यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है ये तो ज़्यादा जो अलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जा जाएगा जो उस पर जो काम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है नॉर्मली ही होता है लेकिन इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहता है कि जो इन अलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के दरमियान एक कोवलेट बांड है वो कोवलेट बाड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की डेफिनेशन के हिसाब से भी यही है कि जो और इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट

इंडेक्टिव इफेक्ट शो करती हैं। अब यहाँ पे यह सवाल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीश कौन सी होती हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जेन में रखने के लिए जो वो ग्रुप जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है अगर बेंजीन के साथ जो उसका ट्रैक्ट आइटम जुड़ा हुआ है उस वो अगर आ, ट्रैक्ट आइटम जो जुड़ा हुआ है वो आगे अगर फर्दर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और अगर वो ग्रुप वो एटम जो बेंजीन के साथ किसी दूसरे ग्रुप का वो एटम जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है और उस एटम उस वो एलिमेंट आगे फर्दर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है किस किसी भी एटम के साथ जैसे एन ओ टू है तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है अब ये है सी एन है तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ड्राइंग से पीछे इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप अब इलेक्ट्रॉन ड्राइंग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतने आरोमेटिक कंपाउंड बेसिक होगा अगर एक रिंग के साथ एक एरोमेटिक uh, सॉरी uh, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेसिक uh, होगा अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो ज्यादा बेसिक होगा इसी तरह तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो वो और ज्यादा बेसिक हो जाएगा इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन फेट ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो इसलिए करेक्टर शो करेगा सो so, ये मैंने स्लाइड्स वही अपनी क्लास वाली यहाँ पे लगाई हुई हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में और वैसे भी मुझे पता है कि मेरी क्लास वाले बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और वो इधर उधर से सर्च कर लेते हैं सो द वे हम यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइन को एक नज़र देख लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइन ये अमाइन है यहाँ पे ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं अब देखें ये अमाइन है यहाँ पर इसका जो लॉन पेयर है वो यहाँ पर अटैच होता है और पेयर ये डबल बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड सो ऑन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड सो ऑन होता हुआ ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं मिथाइल अमाइन इज स्ट्रोंगर बेस एज कंपेयर टू बनजाइल माइन वही सेम कंसेप्ट है जैसा कि अब मिथाइल मिथाइल और बनजाइल अमाइन बनजाइल अमाइन में एक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है लेकिन मिथाइल अमाइन में मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और अमाइन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ज्यादा बेसिक होगा या स्ट्रॉन्ग बेसिकल इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो कोई भी हैं जितने ज्यादा ग्रुप लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड ग्रुप्स तो वो होता है उतना ही ज्यादा स्टेक करेक्टर शो करेगा उसके बाद है सेक्सटेट थ्योरी ये रॉबिन्सन ने दी थी 1925 में तो सेक्सटेट का मतलब है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स उसने ये, ये कहा था इस थ्योरी में इस बात पे जोर दिया गया है कि बेसिकली बेसिकट आर सिक्स इलेक्ट्रॉन टू लिंक द सिक्स कार्बन एटम यानी कि बेंजीन के जो सिक्स कार्बन एटम हैं उन हर कार्बन आइटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो वो क्या होते हैं छः इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और छः इलेक्ट्रॉन सारे जो रिंग है के छः के छः कार्बन को आपस में टूगैदर लिंक करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन जो है इस कंट्रीब्यूशन को एक रिंग के फॉर्म में वो जो आपस में क्लोज ग्रुप बना लेते हैं तो इसको नाम दिया गया एरोमेटिक सेट थ्योरी ये एक रिंग की शक्ल में पॉसिबल हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सारे कंट्रीब्यूट करें और वो आपस में लिंक भी हो जाएं वरना ये जो ओपन चेन होते हैं या एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कभी बांड बना ही नहीं सकता जबकि दो इलेक्ट्रॉन्स का बांड बनाना लाजमी होता है सेम अब अरोमेटेसिटी एरोसिटी किसी भी कंपाउंड की कैसे मालूम की जाती है वही चार पहले वाले पॉइंट के कंपाउंड को क्या होना चाहिए पहले नंबर पे उसको साइक्लिक होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए और उसको फोर एन प्लस टू हक्का रूल ओबे करना चाहिए अब रेजोनेंस एनर्जी आ गई है रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है ये क्या होता है डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल मालिक्यूल एंड मोर स्टेबल क्रनिकल फार्म यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो कि ऑरोमेटिसिटी क्या होती है औरिटी साइक्लिक कंपाउंड्स की वो प्रॉपर्टी होती है जो उनको स्टेबल बनाती है जो जिसकी वजह से वो रेजोनेंस शो करते हैं ये होती है और औरिटी ऑरोमेटिकसिटी की ही वजह से कोई कंपाउंड ऑरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है और आरोमेटिक कंपाउंड एरोमेट्रिसिटी के क्राइटेरिया है मैयर करने का वो हुई फोर पॉइंट्स जो पहले मैं आपको बता चुका हूं अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है किसी भी कंपाउंड की जो एनर्जी एक्चुअल एनर्जी होती है उसमें और कैकुले का जो स्ट्रक्चर होता है कॉनिकल फॉर्म में उस रेजोनेंस फॉर्म में उन दोनों में डिफरेंस ये क्या गई रेजोनेंस एनर्जी होगी अब जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कंपाउंड में और अगर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि जितना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा एक्टिवेशन एनर्जी हमें उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी रिएक्ट करवाने के लिए उस कंपाउंड को इसी तरह ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी एंड ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो अब स्ट्रक्चर्स ये हैं बेंजीन के दिए हैं ये पहले दो और ये आखिरी ये आगे तीन दिए हुए हैं ये वाले ज़्यादा स्टेबल हैं ये वाले लेस स्टेबल हैं अब रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन और कंपाउंड्स एंड कंपाउंड जो आरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है तकरीबन ट्वेंटी किलो कैलोरीज पर मोल से भी ज़्यादा और जो एलीफेटिक होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उनके फाइव टू टेन किलो कैलोरीज पर मोल होती है जितनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी ऑटोमेटिक करेक्टर उतना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है और रिएक्ट करवाने के लिए उसको उतनी ही ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एंड देन वो स्टार्ट पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स अब पॉलीसाइक्लिक कंपोज क्या है पहले हमने पढ़े हैं मोनोसाइकिल अब हैं पोलिसाइकिल कंपाउंड्स मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें एक रिंग हो सिंपली मोनोसाइक्लिक अब पोलिसाइकलिक है जिसमें एक से ज़्यादा रिंग आ जाए जैसे नेफ्थलिन है एंथ्रासीन है शो अरोमेटिक करैक्टर सम हाइड्रोसाइकलिक कंपाउंड लाइक पेरेडीन ऑंड फ्योरान एस्ट्रा आल्सो शो आरोमेटिक करैक्टर अब फ्यूरान वगैरह हैं यहाँ पे हाइड्रो आइटम सारे कार्बन आइटम्स नहीं होते एक रिंग में आ, कोई हाइड्रो आइटम्स और आ सकते ऑक्सीजन आ सकता है पैराडिन में जैसे नाइट्रोजन आ सकता है तो आ, लेकिन इनके अंदर वो एरोमेटिक सिटी वाले चारों फार्म जो पॉइंट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसके आगे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इन अब है डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है भाई रेजोनेंस एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो मालिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड उसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और उसका डिफरेंस उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का किससे कैलकुलेट के जो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे और उस एनर्जी का रेजोनेशन एनर्जी का वो जो डिफरेंस होगा वो होगी रेजोनेशन एनर्जी अब केमिकल एनर्जी क्या होती है केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक किसी भी रिएक्टिंग uh, मॉलिक्यूल को या uh, के लिए ज़रूरी होती है जिसको केमिकल uh, एनर्जी को हम सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं कि वो एनर्जी uh, जो हमें प्रोवाइड करनी होती है कि एक कंपाउंड uh, रिएक्ट कर सके वो होती है केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी uh, डिफरेंस है uh, जो इंटरमीडिएट बनता है उसके दरमियान उस एनर्जी के दरमियान और रिएक्टिंग मालिक्यूल की एनर्जी के, के दरमियान डिफरेंस को हम केमिकल एनर्जी कह के सकते हैं अब जितनी ज्यादा केमिकल एनर्जी डिफरेंस होगा इसका मतलब कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा और उतनी ही ज्यादा उसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के लिए अब ये कंपाउंड्स दिए गए हैं ये बेंजीन के हैं ये क्लोरो है ये बेंजो एक कार्बोनाइल कंपाउंड लगा हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो केमिकल एनर्जी है केमिकल स्टेबिलिटी बेंजीन की सबसे ज़्यादा है उसके बाद क्लोरीन की और उसके बाद कार्बोनाइड कंपाउंड की ये इसकी स्टेबिलिटी है और जो है इनकी रेजोनेंस एनर्जी सेम है लेकिन इनकी केमिकल एनर्जी वो डिफरेंट है यहां पे एक चीज रह गई के हम वो फ्यूरान वगैरह हम पढ़ने थे सी जी हाँ ये आगे बेंजीन ये देखें अब बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है तो एक दो तीन चार पांच छः ये आपस में कार्बन इंटर रिलेट हुए इंटरलिंक हुए हुए हैं तो ये क्या हो गया एक स्टेबल बन गया अब देखें यहाँ पे हर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कर रहा है अपना और बाकी सब के साथ कर रहा है इसलिए तीन पाइबांड बनते हैं और तीन पाइबांड वो फिक्स नहीं होते डीलोकलाइजेशन में इसलिए हो जाते हैं पेरीडीन है पेरीडीन में अब सारे कार्बन तो नहीं है ये एक हाइड्रो आइटम भी आ गया इसके दरमियान तो अब नाइट्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और यहाँ पे पांच कार्बन के एटम्स इलेक्ट्रॉन हैं इसी तरह पैरोल में दो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करता है और चार इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसी तरह फ्लोरान में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करता है और चार इलेक्ट्रॉन कार्बन तो इस तरह यहाँ पर देखें अब ये चार कोई भी इन दोनों में से किसी को भी ले लें ये ले लेते फ्यूरान ले लेते ले 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 हैं तो ये वाला कंपाउंड अरोमेटिक है या नहीं बिल्कुल अरोमेटिक है क्योंकि पहला क्या है वो साइकिलक पहली प्रॉपर्टी हम अरोमेटिसिटी के हवाले से जो फाइंड आउट करनी है कि है जी हाँ बिल्कुल साइकिलिक है प्लेनर है हाँ, हाँ जी एक ही प्लेन पर है और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कंजुगेशन शो कर रहा है जी हाँ इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं जिस तरह हम ऊपर बेंजीन का हमने सबसे पहले पहले हमने स्ट्रक्चर देखा है तो इसके हर जो यहाँ पे है पाई इलेक्ट्रॉन्स ये एक इंटरलेक कर रहे हैं आपस में तो कॉन्जुगेशन भी शो कर रहे हैं अब जो फोर्थ पॉइंट है क्या ये हक्कल रोल ऊबे कर रहा है जी हाँ फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रूल को बेकर रहा है फोर एंड प्लस टू क्या है अब रिंग कितने एक तो फोर को मल्टीप्लाई करेंगे एक से फोर एंड फोर मल्टीप्लाई वन इज गुड फोर प्लस टू सिक्स इलेक्ट्रॉ तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जी हाँ तो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के और चार कार्बन के तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जी हाँ ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड है बाकी कंपाउंड्स जो कि ऑटोमेटिस के इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और वो अरोमेटिक कंपाउंड ही कहलाएंगे थैंक यू तो फर्दर अगर आप लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक बसानी बाकी के लेक्चर्स भी पहुंच सके थैंक यू वेरी मच